अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज भाई 31 दिसंबर, मतलब कि आज से रात को न्यू ईयर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। मैं भी अभी सो के उठा हूँ, काम की छुट्टी थी तो बाहर का माहौल कुछ इस तरह का है, बहुत बर्फ ही बर्फ। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये देखें बेचारे सारे पौधे फूल पत्ते सब बर्फ बर्फ में ढके हुए हैं। और इस वक्त बाहर का जो टेम्परेचर है वो इस वक्त -14 या -15 पर पहुँचा हुआ है। अच्छा, तो हम पहले फ्रेश हो जाते हैं, फिर नाश्ता वाश्ता बनाते हैं और फिर आपसे मज़ीद इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। भाई आज का नाश्ता बनाया है मैंने, और नाश्ता है माशाल्लाह से ये बनाया है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, किचन की कंडीशन पे मत जाइएगा, वो बाद में साफ़ हो जाएगा। दिस इज़ ऑमलेट, दिस इज़ माई टोस्ट, ये आसिया रोटी से अंडा खाती हैं घी लगी हुई, और ये 2 कप चाय। तो अभी हम नाश्ता करेंगे गरम गरम जल्दी से, क्योंकि आज हमने रात को जाना है, थोड़ा प्लान है बाहर, ज़रा आतिशबाजी और फायरवर्क्स देखेंगे इंशाल्लाह रात को, तो असद हमें लेने आएगा, तो ये प्लान है। नाश्ता कर लेते हैं फिर तैयारी करेंगे, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। सबसे पहले तो सब लोगों को नया साल मुबारक हो, और आज हम लोगों की छुट्टी थी, हम लोगों की तो नहीं खैर मेरी ही छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा बाहर चलते हैं देखते हैं, क्योंकि हम लोग घर में बैठे बैठे बहुत फेड अप हो गए थे भाई। और आज घर वालों की याद आ रही थी, कराची बहुत याद आ रहा था अपना, होता है ये सबके साथ होता है, आप लोग भी आएंगे तो सबके साथ होगा। आसिया बहुत रोई हैं, सुबह से रो रही हैं, मैं भी थोड़ा सा उदास ही था। आती है भाई, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली उन लोगों की बताऊँ जिन लोगों को ज़रा लाइक जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से आए हैं या जो लोगों के करीब रहते थे, वो लोग तो ज़रा ज़्यादा ही इस चीज़ को बड़ा महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा वो नहीं है, बड़ी वहशत ज़्यादा सा माहौल है, बर्फ़ है हर जगह, सुनसान इलाके, लोग कम देखने को मिलते हैं। तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा सा बाहर चलते हैं, आउटिंग करते हैं, तो असद आ रहा है हमें लेने के लिए। असद और असद की फैमिली और हम लोग दोनों, मतलब हमने सोचा कि चले बाहर खाना वाना खाते हैं, तो आज आसिया ने छुट्टी की खाने की, हम अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं अगर कुछ सेंटर में हमें हेलसिंकी सेंटर में, मतलब वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत रौनक वौनक दिख जाए तो हम लोग वहाँ चलेंगे, और पहले खाएंगे खाना। इंतज़ार कर रहे हैं, हम तैयार हैं, ऑलमोस्ट रेडी हैं, असद का इंतज़ार कर रहे हैं, असद आएगा तो इंशाल्लाह फिर हम लोग जाएंगे। बाय द वे, हमारे घर में एक नया एडिशन हुआ है, ये आसिया ने एक टीवी लिया है, काफ़ी महंगा है वैसे तो, बढ़िया है, बहुत बड़ा, मतलब काफ़ी 100 नहीं 55 55 इंच का, ये 55-60 इंच का आई थिंक है ये। तो खैर भाई, व्लॉग्स अभी कम आ रहे थे हमारे, क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी थे काम वाम के सिलसिले में, पर मुझसे जितने जितने भी लोगों ने कांटेक्ट किया है, मैंने उन लोगों के हर क्यूरीज और हर क्वेश्चन का जवाब दिया है अच्छे तरीके से ही, कॉल्स पे भी दिया है, मैसेजेस पे भी दिया है, ठीक है। तो बहरहाल अभी चलते हैं, और असद ने नई गाड़ी ली है माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ा सा, और फिर इंशाल्लाह जो है वो हम खाना खाने जाएंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी रौनक देखने जाएंगे, लाइटें देखने जाएंगे, लाइटें। ये है हमारे असद भाई की गाड़ी, और ये हैं असद भाई उसामा। हाँ, ये हमारे असद भाई हैं, और उसामा भाई गायब है, हमारा पार्टनर, वो गए हुए हैं, वो गए हुए ज़रा लंदन गए हुए हैं वो न्यू ईयर मनाने के लिए। तो खाना वाना हम खा चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, गाड़ी का हम आपको पूरा व्लॉग बाद में दिखाएंगे जब उसामा आ जाएगा। और अभी हम बाय वॉक जा रहे हैं, ये ठिठरता हुआ एक आदमी निकला है अंदर से गाड़ी में से। चाहिए आपको? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो अभी हमने जाना है वहाँ सामने, शायद कुछ आज हमने सुना है कि वहाँ पे न्यू ईयर का कुछ फायरवर्क्स वगैरह होगा, तो वो देखेंगे। बहुत सर्दी है, -14 इस वक्त चल रहा है, गाड़ियों के ऊपर बर्फ़ आपको बता रही होगी कि किस लेवल की सर्दी है, और मुंह से धुएँ निकल रहे हैं। तो खैर चलते हैं अभी। तो भाई हम लोग आ गए यहाँ पे, और अभी खैर हमें पता चला था ये शुरू तो हो गई है, अभी तो 11 ही बज रहे हैं और ठंड बहुत है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी -17 चल रहा है यहाँ पे, और हमें लगा था कि शायद यहाँ पे कुछ, हमने सुना था कि प्लान होगा फायरवर्क्स का, बट यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, अंधेरा ही छाया हुआ है।
और रश तो है बट इनके क्लब्स वगैरह जो है वहाँ पे ज़्यादा रश है और वहाँ हम जा नहीं सकते, जाहिर बात है। तो अभी देखते हैं कहाँ पे हमें फायरवर्क्स मिलेगा। ओ भाई बहुत रश है, बहुत रश है, बहुत रश है और तकरीबन ऑलमोस्ट हर जगह से, पूरे फिनलैंड से मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे लोग मनाने आए हैं हैप्पी न्यू ईयर। और अभी 9 मिनट रह गए हमारे न्यू ईयर स्टार्ट होने में, पाकिस्तान में तो हो चुका होगा, हमारा भी 9 मिनट स्टार्ट रहते हैं फिर काउंटडाउन स्टार्ट होगा। तो मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, आतिशबाजी होती जा रही है वक्फे वक्फे से सारी। ये आसिया खड़ी हुई हैं और असद खड़ा हुआ है, भाभी हैं। भाई बहुत सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और ये आतिशबाजी फुल ऑन जो है वो जारी है। ये पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, इसके अलावा भी वक्फे वक्फे से फटते जा रहे हैं। पीछे शायद आई थिंक कोई कॉन्सर्ट हो रहा है ऊपर, वहाँ पे ये सारी पब्लिक कॉन्सर्ट वगैरह सुनने में लगी हुई है। नाक लाल हो रही है, -17 अभी इस वक्त चल रहा है, -17 और बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। ये चेक करें आप लोग, ये साउंड के ऊपर आग जल रही है ये। वाओ बहुत फायरवर्क्स बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये 1 मिनट रह गया है बिल्कुल 12 बजने में, 2024 में दाखिल होंगे हम फिनलैंड वाले यहाँ पे, बाकी पाकिस्तान में हो चुके होंगे लोग और अभी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। पब्लिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत पब्लिक है, बहुत ज़्यादा पब्लिक। ये आप लोगों को मैं बता नहीं सकता, मतलब इतना ज़बरदस्त लग रहा है, शायद कैमरे से उसको आप देखें तो इतना नज़र ना आए बट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये था भाई फिनलैंड का न्यू ईयर। तो भाई हम घर जा रहे थे और घर जाते जाते यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। ये बस जो है ट्राम में घुस गई है, अब यह ट्राम बस में घुस गई है ये कंफर्म नहीं है, मुझे लग रहा है बस ही ट्राम में घुसी है क्योंकि ट्राम का रास्ता यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और बस पीछे से आती है, तो मुझे लग रहा है पीछे से बस ये होती है। मैं दिखाता हूँ, अगर ये देखें बस अच्छी खासी घुसी है और ज़बरदस्त तरीके से बजी पड़ी हुई है बस उसकी। तो हम तो घर जा रहे हैं बस, अभी मैं और असद गाड़ी लेके आए हैं, ये गाड़ी हमारे यहाँ खड़ी हुई है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लड़कियाँ मतलब जो वो हैं वो लोग आ जाएं ताकि हम उनको बिठाएं और फिर घर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत सर्दी हो रही है और ये बच गए गिरते गिरते, क्योंकि भाई बहुत देख के पैर रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ बहुत स्लिपरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी। ओके भाई, तो हम आ गए अपने घर पे और बहुत बहुत ठंड थी बाहर, बहुत सर्दी थी, बस जैसे तैसे अपने जो थोड़ी बहुत इन्जॉयमेंट थी वो कर ली, बट उन लोगों को तो ज़ाहरी बात है इतनी सर्दी शायद नहीं फील होती, बट हम लोगों को भाई बहुत होती है, -17 -18 बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो खैर यहाँ तक था आज का व्लॉग, पर मैं एक सजेशन लोगों को देना चाहूँगा जो भी लोग फिनलैंड में आ रहे हैं, भाई पाकिस्तान से गर्म कपड़े नहीं लेके आना, वो नहीं चलते यहाँ पे, यहाँ की सर्दी, यहाँ के जो कपड़े वगैरह या जैकेट्स वगैरह बने हुए होते हैं वो यहीं के हिसाब से बने हुए होते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि ये सारी चीज़ें, जूते हो गए या ये जैकेट्स हो गए या अपर्स हो गए, ये आप यहीं आके लें, इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, 50-60 यूरो की एक बहुत अच्छी बेहतरीन जैकेट जो आपको पूरा सीज़न निकाल देगी, उस तरह की जैकेट्स मिल जाती हैं 60-70-50 यूरो की इस तरह से। तो खैर भाई आज का व्लॉग था यहीं तक, अपना
ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, कोई भी क्वेश्चंस, कोई क्यूरीज हो फिनलैंड के स्टडी वीज़ा वगैरह, क्वेश्चंस हो फिनलैंड के स्टडी वीज़ा के हवाले से, तो बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम ऑलरेडी मेंशन है, मैं फिर भी इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दूंगा अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।